हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल कंप्यूटर एकेडमी आईसी। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर टीचर रिक्वायरमेंट के बारे में। राजस्थान गवर्नमेंट की ये कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी बहुत ज़्यादा टाइम से पेंडिंग पड़ी है। अभी तक जितनी भी स्कूलों में कंप्यूटर टीचर है वो सभी प्राइवेट कंपनियों के द्वारा लगाई गई हैं। राजस्थान गवर्नमेंट में कंप्यूटर टीचर की कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं थी, लेकिन लगता है अब जल्दी ही आने वाली है और ये हम सभी कंप्यूटर डिग्री धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को कंप्यूटर टीचर वैकेंसी के मामले में फटकार लगाई है और उनने 4 वीक का टाइम दिया है कि वो 4 वीक के अंदर कंप्यूटर टीचर वैकेंसी के लिए रूल्स को बनाए और 5 वीक के अंदर उन्हें हाईकोर्ट में सबमिट करें। कुछ मंथ पहले कंप्यूटर टीचर वैकेंसी की एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी और उस नोटिफिकेशन में एक प्रस्तावना दी गई थी जिसमें बताया गया था कि 9th, 10th, 11th, 12th इन सभी कक्षाओं में कंप्यूटर सब्जेक्ट एक वैकल्पिक विषय है और इनके लिए टीचर की रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए जो वैकेंसी और जो रिक्वायरमेंट दी गई थी उसके लिए योग्यता भी बताई गई थी। योग्यता में देखिए, 3rd ग्रेड की जो कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी थी उसके लिए बी ई इन कंप्यूटर साइंस, बी टेक इन कंप्यूटर साइंस, बी ई इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बी टेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बी एस सी इन कंप्यूटर साइंस, बी एस सी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सारी की सारी 3rd ग्रेड के लिए योग्यता थी। और 2nd ग्रेड के लिए जो योग्यता रखी गई थी वो भी लगभग सेम ही थी, जिसमें एम ई इन कंप्यूटर साइंस, एम टेक इन कंप्यूटर साइंस, एम ई इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एम टेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एम सी ए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये योग्यता थी हमारी जो 2nd ग्रेड की वैकेंसी है उसके लिए। तो ये सारी योग्यताएँ हैं। इसके बाद कितनी कितनी वैकेंसियाँ उन्होंने बताई थी वो थी, देखिए 3rd ग्रेड के लिए 10,985 वैकेंसियाँ थी और 2nd ग्रेड के लिए जो वैकेंसियाँ थी वो 3,616 थी। मतलब ये लगभग 14,500 वैकेंसियों के आसपास थी जो कि हमारी कंप्यूटर टीचर के लिए है। अब फ्रेंड्स, जो भी कंप्यूटर फील्ड से है और कंप्यूटर डिग्री है जिसके पास, वो कंप्यूटर टीचर की तैयारी के लिए लग जाइए, क्योंकि कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसी है इसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, प्लस राजस्थान जीके भी काफ़ी परसेंट तक आएगा, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट जो भी वैकेंसी निकालती है उसमें राजस्थान जीके जरूर होता है। अब हम जो कंप्यूटर लाइन वाले होते हैं उनकी राजस्थान जीके इतनी अच्छी नहीं होती, कंप्यूटर को फिर भी हम बहुत जल्दी कैच कर लेंगे, लेकिन राजस्थान जीके को कैच करने में हमें टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लग जाइए राजस्थान जीके की तैयारी करने में, क्योंकि राजस्थान जीके तो ओवरऑल आती है। इसमें कंप्यूटर के अंदर जो जो सब्जेक्ट्स होंगे, जो सिलेबस होगा, वो जब आएगा तब उसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। अभी से आप बेसिक फंडामेंटल को मैक्सिमम पढ़िए। DBMS है, नेटवर्किंग है, सी लैंग्वेज है, या प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो चीज़ें आप अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें तो आनी आनी है कंप्यूटर की। इसके अलावा जो चीज़ें आएगी वो सिलेबस में ही हमें पता चल पाएगा, लेकिन ये फंडामेंटल चीज़ें पढ़ने के साथ साथ आप राजस्थान जीके की भी अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि हमारे पेपर में राजस्थान जीके आएगा ही आएगा। तो फ्रेंड्स, आपके लिए इतना ही, और अगर कोई नई नोटिफिकेशन जारी होती है या कंप्यूटर टीचर के वैकेंसी के बारे में कुछ नया पता चलता है तो मैं आपको ज़रूर इसी चैनल में बताऊँगा। थैंक यू।